हजार की साड़ियां चोरी करने का मामला सामने आया है। चोरी की यह वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई है। जानकारी के मुताबिक चोरी की यह वारदात गोविंद फैशन शोरूम में हुई। बताया ये जा रहा है कि 7 से 8 महिलाएं खरीदारी के बहाने शोरूम में घुसी। इस दौरान साड़ी देखते वक्त महिलाओं ने अपने कपड़ों में साड़ियां छिपा ली और करीब 50,000 का माल लेकर चंपत हो गई। फिलहाल पुलिस महिला चोरों की तलाश में जुटी हुई है। बता दें जहां पर चोरों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है, तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से शातिराना अंदाज में इस वारदात को अंजाम इन महिलाओं ने दिया। एक के बाद एक साड़ियां निकालकर अपने कपड़ों में छिपाकर वहां से चलती बनी और ये पूरी करतूत, ये चोरी की वारदात इस दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई है। जी मीडिया संवाददाता सीकर से अशोक जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अशोक, का अपराध का जो ग्राफ बढ़ता जा रहा है उसमें अब महिलाएं भी पीछे नजर नहीं आ रही, और यही वजह है कि आज इस दुकान में महिलाओं ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस क्या कुछ मान रही है, कोई गिरोह इसके पीछे हो सकता है या फिर ये स्थानीय महिलाएं थी जो कि ये करतूत करती नजर आई? देखिए, मैं पहले तो ये बताना चाहूंगा कि फिलहाल सीकर जिले में अपराध का ग्राफ बेतहाशा बढ़ रहा है, चाहे फायरिंग हो, चाहे लूट की वारदात हो, चोरी की वारदात हो, उन पर फिलहाल पुलिस अंकुश लगाने में पुलिस नाकामयाब साबित हो रही है। बात करें इस चोरी की घटना की, तो महिलाएं जो 7 से 8 महिलाएं हैं ये चोरी करने वाली गिरोह है, जिसका पुलिस के अधिकारियों से जो हमारी बात हुई उनका कहना है कि ये दूसरे राज्यों से गिरोह बनाकर आती हैं और इन्होंने जो वारदात को अंजाम दिया है वो नीमका थाना के गोविंद फैशन शोरूम है। वहां पर ये 7-8 महिलाएं हैं, जिसमें से 2-3 महिलाओं ने जो दुकान के मालिक थे उनको बातचीत में लगाए रखा। इसके अलावा अन्य महिलाओं ने करीबन 50 से 60 हजार रुपए के कपड़े और साड़ियां अपने छुपा करके चोरी करके ले गए, लेकिन ये जो सारी वारदात थी ये सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सीसीटीवी कैमरे में जो फोटोज हैं, जो फुटेज है, उसके आधार पर पुलिस इन महिलाओं की तलाश कर रही है। जी, क्या कुछ कहना है पुलिस अधिकारियों का, कोशिश क्या कुछ की जा रही है इन महिलाओं तक पहुंचने के लिए? क्या कोई नाकाबंदी करवाई गई है या फिर बस टेंट्स पर यहाँ अन्य जगहों पर पुलिस तलाशी ले रही हो, पुलिस जानकारी जुटा रही हो? देखिए, पुलिस का ये मानना है कि अन्य राज्यों से ये ट्रेन के माध्यम से ये गैंग्स आती हैं और ये कहीं ना कहीं रेलवे स्टेशन और ऐसी खाली जगह पर आकर के खानाबदोश के रूप में ये अपना पड़ाव डालती हैं, अपनी घटना को, वारदात को अंजाम देती हैं और उसके बाद में वारदात को अंजाम देते ही अपना स्थान बदल लेते हैं और ट्रेन के माध्यम से, दूसरे अन्य साधनों के माध्यम से ये फरार हो जाते हैं। फिलहाल जितनी भी संदिग्ध जो स्थान है, जैसे ट्रेन है या कहीं पे इस तरीके के खानाबदोश लोग जो अन्य राज्यों से आकर के तंबू बनाकर के झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, उनके यहाँ पे पुलिस दबिशे दे रही है, ढूंढ रही है, लेकिन अभी तक पुलिस को कोई सफलता हासिल नहीं हुई है। जी, चलिए देखने वाली बात होगी पुलिस कब तक इस महिला गिरोह की सदस्य इन महिलाओं का पता लगाने में